दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जैसा आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की तरह बेसबॉल क्रिकेट खेलते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और ताबड़तोड़ बल्लेबाज शुभमन गिल ने रनों का अंबार लगा दिया। आपको बता दें, इन तीनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी शतक ठोकते हुए भारत का स्कोर पहले दिन 500 रनों के पार पहुंचा दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने, टीम इंडिया ने पहले ही दिन पहाड़ जैसा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा किया। तो आखिरकार किस तरीके से रोहित से लेकर कोहली और शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए, दिखाएंगे इस रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से महान बल्लेबाज कौन है? अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मुकाबला नागपुर में शुरू हो चुका है, जहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नागपुर के पिच तो स्पिन गेंदबाजों की खासा मददगार है। ऐसे में रोहित शर्मा की ये सोच थी कि वो पहले बल्लेबाजी करके ढेर सारे रन बनाते हुए विरोधी टीम का सफाया कर देंगे। आपको बता दें, भारत की तरफ से एक नई जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी थी। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत करने आए थे। राहुल को इस मुकाबले में मौका नहीं मिला और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले ही 5 ओवर में भारत का स्कोर 30 रनों के पार पहुंचा दिया था। वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा ही पहले 5 ओवर बल्लेबाज अपने आप को सेट करता है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। लेकिन अगले 5 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने वापसी की और दोनों ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। टीम इंडिया ने पहले 10 ओवर में केवल 47 रन ही बनाए थे, लेकिन यहाँ से शुरू होता है तबाही का मंजर। जी हाँ, आपको बता दें, रोहित शर्मा ने गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज नाथन को एक ही ओवर में 3 छक्के ठोक दिए थे। रोहित की बल्लेबाजी देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ काफी खुश नजर आ रहे थे। अब यहाँ से रोहित शर्मा ने लय पकड़ ली थी, जिसके बाद फिर क्या था, जो भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आता वही वो दूसरी बाउंड्री की राह पकड़ा देते। उधर शुभमन गिल ने भी आखिरी T20 मुकाबले में लगाए गए अपने शतक वाले फॉर्म को बरकरार रखा था। पहले सेशन में टीम इंडिया का एक भी विकेट नहीं गिरा और दोस्तों, लंच तक टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 150 से ज्यादा रन बना दिए थे। जहां रोहित शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए थे, तो वहीं शुभमन गिल ने भी अर्धशतक का आंकड़ा पार किया था। अब दूसरे सेशन में एक बार फिर से टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरती है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करने के लिए रणनीति बना ली थी और ये पार्टनरशिप कैसे टूटे उनके लिए बड़ी चिंता का विषय था। उन्होंने रोहित और शुभमन गिल की पारी को समाप्त करने के लिए गेंद दी जोश हेजलवुड को और फिर क्या था, उनके एक ही ओवर में शुभमन गिल ने 4 चौके लगाए थे, जिनका पहला चौका स्ट्रेट ड्राइव की तरफ था तो दूसरा चौका लॉन्ग ऑन, उसके बाद तीसरा चौका उन्होंने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया था और अब चौथे के रूप में कट शॉट लगा दिया था, जिसे देखकर कप्तान रोहित भी काफी खुश नजर आ रहे थे। वो शुभमन गिल की बल्लेबाजी देख हैरान भी थे। हालांकि शतक के बेहद करीब पहुंचे शुभमन गिल जल्दीबाजी कर गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस को अपना विकेट दे दिया। जी हाँ, विकेट के पीछे एलेक्स कैरी ने शुभमन गिल का कैच पकड़ा था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर एंट्री होती है चेतेश्वर पुजारा की। पुजारा ने अपने कप्तान का साथ निभाना शुरू किया। रोहित ने देखते ही देखते छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। जी हाँ, लंच के आधे घंटे बाद रोहित शर्मा ने शतक लगा दिया था। इधर चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर जोश हेजलवुड का शिकार हो गए थे। टीम इंडिया 236 रनों पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी, जहाँ शुभमन गिल 85 और चेतेश्वर पुजारा 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा शतक लगाकर बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। अब उनका साथ निभाने आ गए थे उनके सबसे करीबी दोस्त विराट कोहली। दोस्तों, विराट के मैदान पर उतरते ही स्टेडियम में उनके नाम की गूंज होने लगी थी। नागपुर के मैदान पर अब विराट कोहली का जलवा देखने वाला था। आपको बता दें, विराट कोहली में आते ही खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ अपना खाता खोला। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के आते ही और भी अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, चाय तक टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के पार पहुंचा था, जहां विराट ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया था, तो रोहित शर्मा भी 148 रन बनाकर खेल रहे थे। बता दें, रोहित ने अब तक अपनी पारी में 10 चौके और 4 छक्के भी लगाए थे। चाय के बाद एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर उतरे। विराट कोहली ने जैसे मन बना लिया था कि वो इस सेशन में अपना शतक पूरा कर लेंगे, वहीं रोहित शर्मा भी एक और कीर्तिमान के करीब थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और चाय के कुछ ही देर बाद विराट कोहली
अपने शतक के करीब पहुंच गए थे। जब विराट 90 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्हें गेंदबाजी करने आए थे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस और इस इरादे से कि कोहली को गेंदबाजी करने आए कि वो उन्हें शतक से रोक देंगे। लेकिन दोस्तों विराट तो कुछ और ही मन बनाकर उतरे थे। आपको बता दें पैट कमिंस के लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके ठोकते हुए विराट ने एक और शतक ठोक दिया। बता दें कोहली ने पैट कमिंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। इसके बाद फिर क्या था, पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 180 रन बना लिए थे, तो विराट भी 110 रन बनाकर और ये दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। वैसे पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 512 रन था और भारत ने मात्र 2 ही विकेट खोए थे और ऐसा कारनामा करने वाली एकमात्र भारत ही टीम बनी थी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला पहला टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।